हम साइटेशंस पढ़ रहे थे, तो साइटेशन में हमने, जिसको हिंदी में हम उद्धरण कहते हैं, और जब जैसे हमने बंध वगैरह या किसी पद गद्यांश का कुछ अर्थ बताते थे तो उद्धरण देते थे कि ये संदर्भ उपरोक्त पंक्तियाँ फलाने फलाने पाठ से ली गई है, टेकन बाय द स्पेसिफिकल दिस लेसन्स एंड रिटन बाय दिस सो एंड सो। तो ध्यान आया होगा आपको, हम स्कूल में ऐसे ही करते थे, तो उसे उद्धरण कहा जाता है या साइटेशन कहा जाता है रिसर्च में। और इसके अंतर्गत कहना यही है कि किसी के भी ज्ञान के जो है उसको हमें आभार प्रदान करना होता है, जो भी सोर्स मटेरियल हम यूज़ करते हैं तो उसको ईमानदारी से उसको ग्रेटिट्यूड हमें देना पड़ता है ना। तो उसके कारण क्या होता है कि हमारे अंदर का भी एक भार ख़त्म हो जाता है और सामने वाले का जो संदर्भित बातें हैं या सोर्स मटेरियल है तो उसका रेफरेंस देने से एक तो मौलिकता हमारी अथेंटिसिटी भी आ जाती है कि कितना पढ़ा है हमने, कितना अध्ययन किया है, कितना स्टडी मटेरियल हमने कलेक्ट किया। तो आभार प्रदान करने की विधि को ही हम साइटेशन कहते हैं। तो साइटेशन द वेज ऑफ साइटेशन और द वे ऑफ द ग्रेटिट्यूड इज डिफरेंट डिफरेंट, द मैथड्स आर बी डिफरेंट। तो वो मैथड्स हम देख रहे हैं कि अलग अलग, क्योंकि सोर्स मटेरियल्स के भी अलग अलग प्रकार रहते हैं। ऐसा नहीं, अभी जैसे एक बार हमने जो है क्वेश्चन आयर बनाया था, प्रश्नावली और अनुसूची तो अभी पढ़ना ही रह गई है, तो वो भी एक प्रकार से सेकेंडरी मतलब प्राइमरी सोर्स मटेरियल कहलाते हैं, है ना। जो हम स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं तो प्राइमरी हो जाता है, फिर सेकेंडरी सोर्स मटेरियल्स हो जाते हैं, तो फिर टर्शरी भी आते हैं। तो अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स मटेरियल हमको किस प्रकार से उनका रेफरेंस देना है, उनके संदर्भ देना है, तो साइटेशन हो जाता है। और जब एंड नोट देते हैं, जैसे बीच बीच में ये इसके प्रकार भी पढ़े थे अपन ने कि इन लाइन कैसे होता है, इन फ्रेजेस कैसे होते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ के यदि हमको संदर्भ देना होते हैं तो पैराग्राफ के बाद में भी हम संदर्भ देते हैं, है ना, ये एक प्रकार बताया था। फिर एंड नोट साइटेशंस भी अभी आएगा, सबसे लास्ट में फुट नोट जिसे कहते हैं, पूरा पैराग्राफ एक पेज में पूरा लिख लिया हमने और उसके नीचे यदि हम देते हैं, जिसको पाद टिप्पणी हिंदी में कहते हैं फुट नोट, तो वो पेज के नीचे होता है ना, फुट नोट जिसे कहते हैं। फिर एंड नोट होता है, एंड नोट मतलब कि सबसे अंत में पूरा पृष्ठ, सॉरी पूरा चैप्टर आपने लिख लिया है, पूरा अध्याय आपने लिख लिया है, देन यू हैव टू राइट और मैक यूर द बिब्लियोग्राफी, एंड नोट। एंड नोट मतलब बिब्लियोग्राफी, संदर्भ ग्रंथ, है ना, रेफरेंसेस जिसको हम बोलते हैं, पूरे पृष्ठ के बाद में या पूरे शोध पत्र के बाद में जिसको हम बोलते हैं, तो वो एंड नोट हो जाएगा। तो अलग 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 तरीके होते हैं। जैसे बुक्स में हमने जो पढ़ा, मतलब बुक्स किसी के, किसी कोई बुक हमने ली है और बुक की सहायता से हम मान लो कोई फोर्ट फोर्टिफिकेशन या ग्वालियर के फोर्ट के बारे में लिख रहे हैं या चंदेरी के फोर्ट के बारे में हम लिख रहे हैं, तो बुक का तो हमने अभी पिछली बार पढ़ लिया था कि किस किन किन तरह से हमको जो है साइटेशंस लिखना चाहिए। अब बारी आती है, दूसरा प्रकार आता है कि बुक के अंदर मान लो कोई ऑथर है ना, किसी ने एडिट कर दी बुक और अलग 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 ऑथर्स के चैप्टर्स आ गए हैं, कि मान लो कि दुर्ग के बारे में किसी ने अलग बात कही है, मंदिर के बारे में किसी राइटर ने अलग बात की, ऑथर ने अलग बात की है, किसी ने मूर्तिकला के बारे में अलग से कुछ लिखा है, तो अब हम उन ऑथर्स और बुक किसी और ने एडिट की है ना, अब उन ऑथर के बारे में हम जैसे सेमिनार्स की प्रोसीडिंग्स हम लिखते हैं, है ना, सेमिनार्स की कोई प्रोसीडिंग्स हम लिख रहे हैं, मतलब किसी ने लिख दी है और एडिटर कोई अलग है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा अपने डिपार्टमेंट में, एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट में सेमिनार्स होते हैं, तो अहिरवार सर उसको एडिट करते हैं, है ना, तो एडिटर का नाम उसमें अलग आता है और बुक उन्हीं के नाम से छपती है एडिटर के, लेकिन अंदर जो है अलग अलग राइटर्स होते हैं, अलग अलग जो है ऑथर्स होते हैं और उनके टॉपिक होते हैं अलग अलग, है ना। जैसे कि लोग देवी देवताओं के बारे में अपने यहाँ एक सेमिनार हुआ था, तो सबने अलग अलग टाइटल लिया था, टॉपिक लिया था, कि किसी ने शीतला माता के ऊपर लिख दिया, किसी ने नगर देवी के बारे में लिख दिया,
किसी ने अलग अलग, तो वो ऑथर्स अलग अलग हो गए, और सेमिनार की प्रोसेसिंग्स जो एडिट की है वो अहिरवार सर के नाम से होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई बुक यदि आती है, इंडिविजुअली ऑथर्स चैप्टर्स इन बुक्स सो इट इंक्लूड, तो हमको मान लो किसी पर्टिकुलर ऑथर का कोई चैप्टर पसंद आया है, मतलब कोई टॉपिक पसंद आया, और उसमें से हम अपने टॉपिक को मैच करके थोड़ा सा रेफरेंस उठाना चाहते हैं, तो आपको उसको भी ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा, उसका रेफरेंस लिखना पड़ेगा। तो वो किस तरीके से लिखेंगे, तो सबसे पहले उस ऑथर का नाम लिखेंगे, किसी का भी छपा हो आपको तो नेम ऑफ द ऑथर, उस ऑथर का नाम आपने लिख दिया। फिर टाइटल ऑफ द चैप्टर, अब उस चैप्टर का नाम क्या है, मतलब कि उस टॉपिक का नाम क्या है। जैसे सपोज टू बी उस व्यक्ति ने मूर्तिकला के बारे में लिखा है, तो आपने मध्य प्रदेश की मूर्तिकला, है ना, उस ऑथर ने ये टाइटल लिखा है, टाइटल ऑफ द चैप्टर। अब ट्रांसलेटेड टाइटल ऑफ द चैप्टर बुक इफ नॉट इन इंग्लिश, ये एक अलग बात है, है ना। फिर लास्ट में उसके बाद वाला पॉइंट क्या लिखेंगे, नेम ऑफ बुक्स एडिटर, है ना, बुक्स एडिटर। अब उस बुक के एडिटर का नाम क्या है, ठीक है ना, उस बुक के एडिटर का नाम लिख देंगे। फिर नेम ऑफ द बुक, उस बुक का नाम क्या है, है ना, तो उस बुक का नाम क्या है, अभी बात हुई थी लोक देवी देवता, है ना, एंड अदर डिटेल्स एज अबव, पूरा उस बुक का पूरा डिटेल जो भी अपन लिखते हैं, पब्लिकेशन है, कहाँ से छपी है, ये सारा। फिर चैप्टर नंबर जो आपने जिसके भी टाइटल लिया है, मान लो कि वो जैसे मूर्तिकला का टाइटल लिया है, तो उस चैप्टर का नंबर, है ना, क्योंकि सबके अलग अलग नंबरिंग रहते हैं, और फिर पेज का आपको नंबर डालना है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एक बात हो गई कि किसी ऑथर के चैप्टर से आपको उठाना है, तो आप उसको साइटेशंस कैसे देंगे। अब ये देखिए आप, दूसरा जो है जर्नल आर्टिकल्स दिख रहा है ना, ये जर्नल आर्टिकल्स है, ये देखिए ये जर्नल आर्टिकल। अब मान लो कि जर्नल में से आपको देना है, जैसे आर्कियोलॉजी जर्नल ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल जर्नल ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, तो कोई जर्नल में आपका किसी और भी विद्वान का ऐसा कुछ छपा है जो जानकारी आपके रिसर्च मटेरियल से मैच करती है, और आपको वो बहुत अथेंटिक और बहुत अच्छी लगी, तो आपको उसमें से उठाना है। तो उसके लिए आपको साइटेशन देने के लिए निम्न बातें करनी होगी। नंबर वन, नेम ऑफ द ऑथर, अगेन आपको नेम ऑफ द ऑथर लिखना है। ईयर एंड समटाइम्स मंथ ऑफ द पब्लिकेशन, कई बार थ्री मंथली जर्नल्स छपते हैं, जैसे कावेरी शोध संस्थान का ही थ्री मंथली छपता है ना, तो इस प्रकार से ईयर ऑफ द समटाइम मंथ ऑफ द पब्लिकेशन, तो वो आपको मंथ पब्लिकेशन का लिखना पड़ेगा। टाइटल ऑफ द आर्टिकल, वो आर्टिकल किस उसका टाइटल क्या है वो आपको लिखना है। कोटेशन मार्क्स, ट्रांसलेटेड टाइटल ऑफ द आर्टिकल इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स आफ्टर द टाइटल इफ नॉट इन इंग्लिश, इसकी कोई ज़रूरत सामान्यतया नहीं होती है। नेम ऑफ द जर्नल इन इटैलिक, उस जर्नल का क्या नाम है, जैसे आपने विक्रमादित्य जर्नल में से लिया, या फिर कावेरी शोध के जर्नल में से लिया, या फिर वाकणकर जी का जो जर्नल छपता है उसके नाम, मतलब नाम है, तो वो इटालिक में या ऐसे भी आप सिंपल भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम नंबर, कौन सा वॉल्यूम है, फिर इशू नंबर, जो इशू होते हैं नंबर, एंड पेज नंबर, सो आर्टिकल नंबर इन सम इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, एंड अदर आइडेंटिफायर। तो इस तरह से ये आपको एक देना होता है। अब नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर देखेंगे, न्यूज़पेपर में यदि कोई आर्टिकल छपा है और वो आपको जो है अच्छा लग रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन अच्छी छपी है और आपको अथेंटिक, वैसे तो न्यूज़पेपर रिसर्च स्कॉलर्स को यूज़ ही नहीं करना चाहिए, ये इसको हम मौलिक नहीं मानते हैं, इसको अथेंटिक नहीं मानते, इसलिए न्यूज़पेपर के आर्टिकल को कभी भी रेफरेंस, क्योंकि ये तो आए दिन जो है अपने हिसाब से, और जो न्यूज़पेपर जो छापते हैं और जो न्यूज़ लेके आते हैं, तो वो क्या कोई इतने लिटरेट या कोई इतने एकेडमिक थोड़ी ना होते हैं, तो इसलिए उन चीज़ों को कभी भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को हमें नहीं लेना चाहिए। पर फिर भी कभी
कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अच्छा राइटर है, कोई अच्छी है और उससे हमको रेफरेंस मतलब लेना है, तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइटेशन फ्रॉम द न्यूज़पेपर बाय लाइन ऑथर्स नेम, वो लाइन लिखनी है और ऑथर्स नेम लिखना है, इफ़ एनी टाइटल ऑफ द आर्टिकल विद इन, फिर नंबर टू पर कोटेशन मार्क्स मतलब टाइटल ऑफ द आर्टिकल, उस आर्टिकल का मतलब क्या टाइटल है वो कोटेशन मार्क्स के सहित लिखना है, फिर नंबर थ्री पर ये सारी चीज़ें कॉमा लगा लगा के लिखना है आपको, हाँ, फिर ट्रांसलेटेड टाइटल ऑफ द आर्टिकल इन स्क्वायर ब्रैकेट आफ्टर अ टाइटल इफ़ नॉट इन इंग्लिश, इसकी भी कोई सामान्यतः आवश्यकता नहीं होती है, न्यूज़ ऑफ नेम ऑफ द न्यूज़पेपर इन इटैलिक, जैसे कोई भी न्यूज़पेपर का जो नाम है उसका नाम लिखेंगे, एंड सिटी ऑफ पब्लिकेशन कहाँ से वो छपा है, किस शहर से छपा है उस शहर का नाम, फिर डेट ऑफ पब्लिकेशन एंड पेज नंबर, फिर उसके बाद में इस पेज पर आ जाइए आप, ये हो गया है, फिर इसके बाद में और दूसरा और आपको और भी जैसे बुक से कोई रेफरेंसेस लेते हैं, प्राइमरी सोर्स से कैसे रेफरेंसेस लेते हैं, तो वो और भी बाद में मूल पाठ के सहित जैसे कोई इंस्क्रिप्शन है वाला है और उसमें से आपको कैसे लेना है, तो वो मूल पाठ हो जाते हैं, तो इस प्रकार से जो है बाकी के चैप्टर्स इसमें और मैं आगे बताऊँगी आपको, साइटेशन तो हो गया, अब हम फुटनोट देखेंगे कि फुटनोट किस प्रकार से लेते हैं, एंड आफ्टर द फुटनोट बिब्लियोग्राफिकल नोट कैसे लेते हैं, संदर्भ ग्रंथ क्या मतलब हम लिखते हैं आगे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, थैंक यू वेरी मच।